वालेकुम वेलकम टू द सब्जेक्ट बायोनफॉर्मेटिक्स आई एम योर टीचर गुलाम महुदी टुडे आर टॉपिक ऑफ़ डिस्कशन इज़ प्रोटीन प्रोटीन इट इज़ इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रो प्रोटीन को बायोलॉजिकल मैक्रो में काउंट किया जाता है और ब्योलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिए जाते हैं पेश किए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं बायोलॉजिकल माइक्रो में काउंट होता है इसी तरह लिपिड हैं न्यूक्लिक एसिड हैं और प्रोटीन हैं ये बायोलॉजिकल माइक्रो में काउंट होते हैं जो बायोलॉजिकल माइक्रो से मिलकर बनते हैं जो बायोलॉजिकल माइक्रो हैं वो इनके सब यूनिट्स होते हैं या यूनिट्स होते हैं जिनकी वजह से माइक्रो में कन्वर्ट होते हैं जैसे प्रोटीन के जो माइक्रो हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अमाइनो एसिड हैं प्रोटीन्स जो के हैं वो लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं और लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहा जाता है मैक्रो दैट मींस लार्ज कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज अमीनो एसिड रेजिड्यूज आमतौर पे अमीनो एसिड रेजिड्यूज जो हैं वो आमतौर पे अमीनो एसिड की जो सिक्वेंस uh, होती है उस पर मुश्तमिल होते हैं और आमतौर पे अमीनो एसिड रेजिड्यूज को सिंपलेस्ट प्रोटीन भी कहा जाता है प्रोटीन्स परफॉर्म vast array ऑफ फंक्शंस within organism ऑर्गेनिजम इंक्लूडिंग metabolic reactions रिएक्शंस प्रोटीन कैसे इंपॉर्टेंट है और क्यों बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिकुलस में काउंट किया गया है प्रोटीन को प्रोटीन की कुछ इंपॉर्टेंस है और उनका हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा एक रोल है बहुत बड़ा रोल है और जो इनके फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं जैसे कैटेलाइजिंग मेटाबोलिक रिएक्शंस मेटाबोलिक रिएक्शंस जैसे एनाबोलिक हैं कैटाबोलिक रिएक्शंस हैं उन में जो कैटेलाइजिंग एंजाइम्स uh, होते हैं वो प्रोटीन जो के हैं वो बाय नेचर होते हैं ऑल एंजाइम्स आर एन डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोटीन का प्रोसेस होता है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है ट्रांसलेशन का जो लास्ट स्टेप होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन पे होता है रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई एंजाइम्स और हारमोनस जो एक्ट uh, करते हैं स्टिमूलाई की तरफ या इनको स्टिमुलस मिलता है बॉडी की तरफ से या जो कमांड इनको बॉडी की तरफ से मिलती है तो उसको रेस्पॉन्स करते हैं जो केमिकल्स और हारमोन हैं आमतौर पर वो प्रोटीन के बने होते हैं इसके अलावा इसके जो इम्पोर्टेंस है वैसे तो बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है और इस पर पूरा एक चैप्टर जो कि है लिखा जा सकते हैं इम्पोर्टेंस पे लेकिन जो आ, हम यूँ कह लें कि मेजर फंक्शंस हैं मेजर फंक्शंस जो कि हैं वो प्रोटीन के हमारे सामने हैं जैसे प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो कि है प्रोटीस के साथ मिलकर ग्लाईको बनाते हैं इसी तरह लिपिड्स के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइको बनाते हैं तो आमतौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो जिस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है अराउंड अबाउट मल्टाइसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन उनके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है अगर हम फ्लूड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं तो उनके मुताबिक इस मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो एम्बेडेड स्ट्रक्चर है जो ग्लाइकोलिपिड बाई में जो के है वो एक किस्म की इंगल्फ होती है इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर इस प्रोटीन्स जो के हैं वो सिग्नल्स का काम भी करते हैं और ये सिग्नल जो के है एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं प्रोटीन्स डिफ़र फ्रॉम वन एन अदर प्राइमरली इन देयर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की वजह से हम प्रोटीन को आमतौर पर कैटेगरीज में डिवाइड कर आ, कर देते हैं और अमाइनो एसिड की जो अमाइनो एसिड की जो नंबरिंग होती है उनमें जो सीक्वेंस होती है उसको जो कि नंबर अप किया जाता है और उसके बाद जो कि उनको काउंट किया जाता है तो इसी इस हवाले से कि जिनमें अमानो एसिड कम होते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर जो कि सिंपल होती है जिनमें अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी कंप्लेक्स हो जाती है प्रोटीन स्ट्रक्चर के हवाले से हम मज़ीद जो कि कैटेगरीज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में और इस लेक्चर में प्रोटीन्स के अगर हम फंक्शंस देखें जैसे इंसुलिन इंसुलिन दैट इज़ अ हार्मोन और इम्पोर्टेंट हार्मोनल कैटेगरी में इंसुलिन का फंक्शन uh, है और आम तौर पे जो डायबिटीज़ है जो डिजीज़ हैं वो भी इंसुलिन के इम्बेलेंस की वजह से होती हैं तो आप इमेजिन uh, कर सकते हैं कि प्रोटीन जो के है अगर कम इतार में बन जाए या बॉडी की डिमांड के मुताबिक अगर प्रोटीन हमें ना मिले तो डिसऑर्डर्स और डिजीज़ काज करते हैं इसके अलावा एक्टिन मायोसिन जो आमतौर पर मसल्स में पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं एक्टिन मायोसिन ये भी प्रोटीन की कैटेगरीज़ हैं इसी तरह रोडोपिन प्रोटीन है ये ये रिसेप्टर्स में आमतौर पर इनका फंक्शन होता है और रिसेप्टर्स में आमतौर पर काम करते हैं और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल ऐसी हैं प्रोटीन्स की जिनको नंबरिंग दी गई है उनके मॉडल के हिसाब से उन सीक्वेंस के हिसाब से और उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से तो प्रोटीन के जो टाइप्स और फंक्शंस हैं वो थोड़ा वेरी करते हैं थोड़ा मतलब यह है कि डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं प्रोटीन्स विकोगनाइज एज डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ इन द एटीन सेंचुरी में इनको रिकोगनाइज कर लिया गया था बाय एंथर्क्री एंथोन फर्करी जो है इसको uh, एंटाइन फॉर क्राई भी बोलते हैं या एंटन फर्क्री भी बोलते हैं तो ये जो साइंटिस्ट थे आम तौर पर इनका जो रोल है वो बायोलॉजिकल स्पेशली मेडिकल साइंस में जो कि इनका बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने प्रोटीन को जो कि रिकॉग्नाइज किया था लेकिन इसको नेम और इसको जो कि है एक अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का जो फंक्शन है वो दूसरे जो कि साइंटिस्ट वो भी जो कि इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं उस टाइम के मुताबिक जो प्रोटीन पाई जाती थी जिनमें या बिलीव किया जाता था कि इनमें प्रोटीन पाई जाती है या प्रोटीन के सोर्सेज हैं उस टाइम में जैसे एटीन सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो उसमें फिर यह है कि एल्बोमिन फ्रॉम एग वाइट एग वाइट यानी अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसमें जो एल्ब्योमिन जो जो पाई जाती है उसको प्रोटीन कहा जाता था फिर फिर उसके बाद जो कि है ब्लड सीरम एल्ब्योमिन के ब्लड के सीरम में जो एल्बमिन पाई जाती है उसको भी प्रोटीन में काउंट किया जाता था फाइब्रिन एंड वीट ग्लूटेन ये थे लिमिटेड रिसोर्स उस टाइम के मुताबिक जैसे ही लिटरेचर एडवांस होता है उसके हवाले से जो कि है एडवांसमेंट आती है तो डिटेल भी हमें जो कि पढ़ने को मिलती है और देखने को मिलती है तो प्रोटीन पर काफी रिसर्च की गई प्रोटीन पे काफी काम किया गया उसके बाद जो कि इसकी स्ट्रक्चर्स भी सामने आई और इसके फंक्शंस भी जो काफी क्लियर होके अब मेडिकल साइंस का हिस्सा है प्रोटीन्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द केमिस्ट ये डच केमिस्ट आमतौर पर जो आ, ये हम फिगर देख सकते हैं ज, ये जो डच केमिस्ट हैं तो इन्होंने आमतौर पे जो प्रोटीन आ, को डिस्क्राइब किया था कि प्रोटीन है क्या बायोलॉजिकल मै माइक्रो की कैटेगरी में जो इन्होंने एक कैटेगराइज किया था प्रोटीन को तो इनका बहुत बड़ा इस हवाले से रोल है तो ये जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है गरार्डस जोहनस मल्डर इनका जो कंप्लीट नाम है वो इनका जो कंप्लीट नाम है वो ये है जरार्डस जोहस मल्डर इनके हवाले से क्या आ, मतलब इनको हाई किया जाता है इनके पर्सनैलिटी को हाई किया जाता है मेडिकल साइंसिस के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोटीन और मोलिकुलर बायोलॉजी के हवाले से इनका बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन को नेम देने का जो सिलसिला है वो आमतौर पे जो कि है मिड ऑफ एटीज़ या फिर जो कि है 1838 में हुआ 1838 जो कि एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये आमतौर पे कुछ बुक्स में ये 18 प्लस लिखा हुआ है और कुछ और कुछ बुक्स में जो कि है वो 19 के फर्स्ट ईज़ में जो कि इसको काउंट किया जाता है तो स्वेडिश साइंटिस्ट और डच साइंटिस्ट ने मिलकर जो कि इनको नेम दिया प्रोटीन का और इनको कैटेगराइज़ किया और सेपरेट किया आम मालिक्यूल्स से बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स की तरफ स्ट्रक्चर के जैसे मैंने पहले लेक्चर के स्टार्ट में बात की है कि अमाइनो एसिड की आ, जो कि है जो कैटेगरी वाइज जो स्ट्रक्चर डिस्कस की जाती है इस हवाले से जो कि डिफरेंट क्लासेस बनाई हुई हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर की जैसे प्राइमरी प्रोटीन है सेकेंडरी प्रोटीन है टर्सरी प्रोटीन है क्वेटनरी प्रोटीन है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि है मजीद उसमें के फ़ीचर्स उसके अलग हो जाते हैं थोड़े फोल्डिंग स्ट्रक्चर में आ जाती है टर्शरी स्ट्रक्चर की सूरत अख्तियार कर लेती है और उसके बाद क्वेटर स्ट्रक्चर जो कि है इनके फाइनल शेप होती है प्रोटीन स्ट्रक्चर इट इज़ द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन एन अमीनो एसिड चेन मॉलिक्यूल आमतौर पर जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसको थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल यानी कि थ्री डी अरेंजमेंट का नाम दिया जाता है वो उस हवाले से दिया जाता है कि जब टेक्निकली जब प्रोटीन को स्ट्रक्चर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है तो उसको थ्री डायमेंशन में डिस्कस किया जाता है जो एलेबोरेट करता है प्रोटीन की स्ट्रक्चर को प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स फॉर्म्ड फ्राम सिक्वेंसिस ऑफ अमायनो एसड अमाइनो एसिड जो कि हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सिंगल अमाइनो एसिड मोनमर में ऑल्सो बी कॉल्ड रेजिड्यू ये जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपसे अर्ज की थी कि जो अमायनो एसिड रेजिडियो है ये सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है प्रोटीन्स फॉर्म बाई अमाइनो एसिड अंडर गोइंग कंडेंशन रिएक्शन कंडेन्सेशन रिएक्शन ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसके बाद जो अमाइनो एसिड हैं वो विद ड लेकर जो वाटर पर क्या बनाते हैं प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं चेन अंडर थर्टी अमानो एसड इज़ ऑफन आइडेंटिफाइड एज अ पैप्टाइड पेप्टाइड जो मॉलिकूल है प्रोटीन का उसमें आम तौर पर थर्टी अमैनो एसिड पाए जाते हैं और ये जो थर्टी अमेनो एसड हैं ये बाकायदा एक यूनट के तौर पर काम करते हैं और उसको पैप्टाइड कहा जाता है अगर हम बात करते हैं कि देर आर टू पेप्टाइड इन वन प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट मीनस सिक्सटी अमीनो एसड आर प्रजेंट एंड आर अरेंजड इन अ प पर्टुलर रेंज दिस इज द टॉपिक ऑफ द साइंटिफिक फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच uh, है जो बायोलॉजिकल मॉलीक्यूल्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस uh, करती है जिनका ताल्लुक़ बायोलॉजिकल मॉलीक्यूल्स की स्ट्रक्चर से होता है दिस इज द टॉपिक ऑफ साइंटिफिक फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल बेोलॉजी विच एम्प्लॉयज टेक्निक एन एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी ये एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मैय करने के लिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एलैबोरेट करने के लिए और उसको ऑब्जर्व करने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है इसी तरह न्यूक्लिक न्यूक्लिक मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको एन कहा जाता है और ये हमारे मजीद uh, जो लेक्चर हैं उनका हिस्सा होंगे ये टेक्निक्स ये प्रैक्टिकल में भी जो कि आपके लिए हेल्पफुल uh, होंगी और इसके अलावा जो कि थेरेटिकल मटीरियल में भी जो कि आपके लिए सूटेबल होंगी इसके अलावा जो टेक्नीस हम पढ़ रहे हैं जैसे एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी है एन एम आर स्पेट्रोस्कोपी है क्रियोलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है या ज्योल पोलराइजेशन टेक्निक है इंफॉर्मेटरी टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये सारी जो टेक्निक्स हैं आमतौर तौर पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करने के लिए इसके अलावा अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को मालूम करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती हैं अगर हम फिगर में ऑब्जर्व करें फिगर को तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है प्राइमरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी आगे डिफ्रेंशिएट हो जाती है अल्फा हेलिक्स में बीटा प्लेटेड शीट में तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाती हैं और ये जो दो आ, हम देख सकते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो कि हैं आपस में जब कंबाइन होते हैं तो फोल्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर बन जाती है और फोल्डेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में इनको टर्सरी स्ट्रक्चर कहा जाता है आफ्टर दैट टर्सरी स्ट्रक्चर मजीद जो कि एक ग्लोबुलर फॉर्म इख्तीय कर लेती है इसको को स्ट्रक्चर कहा जाता है तो ये जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं ये थ्री डी स्ट्रक्चर के जरिए हमें या थ्री डी टेक्नोलॉजी के जरिए हमें ये क्लियर होती है कि प्रोटीन की कौन से टाइप है और कौन से स्ट्रक्चर किस फॉर्म में पाई जाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज हेल्ट टूगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स दैट आर मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस जब प्रोटीन pro, बायोसिंथेसिस uh, होती है जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए तो जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो पेप्टाइड uh, जो आमतौर पर पे पेप्टाइड पे जो कि कहा जाता है प्रोटीन से रिलेटेड जो भी मटीरियल है इसके अलावा जो अमाइनो एसिड हैं उनमें जो बॉन्ड पाया जाता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा

of uh, nucleotide in DNA is transcribed into messenger RNA which is रेड बाई द रबोसोम इन अप प्रोसेस कॉल ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन जो सेंट्रल डोगमा का लास्ट प्रोसेस है ट्रांसलेशन की सूरत में क्या होता है कि मैसेंजर आर एन ए जो आमतौर पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन डी एन ए से लेके आता है उसने प्रोटीन को जो कि है फॉर्मेशन करनी होती है प्रोटीन की प्रोटीन को जो कि है उसकी सेंथिसिस करनी होती है कंड रिएक्शन के जरिए जब प्रोटीन बनती है तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होती है जस्ट वही बनती है तो जैसे जैसे, जैसे आ, मेटाबॉलिज्म रिक्वायर होता है मेटाबॉलिज्म के बाद जो कि है कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं मेटाबॉलिज्म की उस प्रोसेस के दौरान भी प्रोटीन जो कि है रिक्वायर्ड अमाउंट में बनाई जाती है या बनती है कुदरती तौर पे द सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय मेथड सचेज एडमिन डिग्रेडेशन एंड टेंडम मैसपेट्रोमेट्री एडमिन डिग्रेडेशन या टेंडम मे स्पेक्ट्रोमीट्री ये एक ही टेक्नीक है एक टेक्निक के दो नाम है और आमतौर पर जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है वो इसका बेसिक पर्पस होता है और ये बाकायदा एक केमिकल प्रोसेस है जो बायो में भी डिस्कस किया जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं इससे पहले मैं रिवाइज करना चाहूँगा जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो कि है वो नजर आती है ये भी जो कि एक थ्री डी मॉडल है जो आम तौर पर थ्री डायमेंशनस जो कि है शो करता है इसको हम टॉप टू बॉटम भी डिस्कस कर सकते हैं इसके हम लेट्रल वेंट्रल साइड भी डिस्कस कर सकते हैं और अगर हम इनमें से एक सेक्शन को अगर हम सेपरेट uh, करके अगर उसकी सीक्वेंस को डिस्कस करना चाहें जैसे एक्सरे कर में हम डिस्कस करते हैं तो इसमें अमीनो एसिड जो कि है वो Uh, वाजे नज़र आ रहे होते हैं और उनमें उनको जो लिंकअप करने वाला बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड वो भी हम क्लियरली डिस्कस कर सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर्ड विद प्राइमरी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो अल्फ़ा हेलिक्स होती हैं अल्फा हेलिक्स के अलावा बीटा प्लेटेड शीट होती हैं इनकी एक स्ट्रक्चर जो कि है डिफरेंट फॉर्म में मौजूद होती है जो अल्फ़ा हेलिक्स है इनकी जो कि है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में मौजूद होती है हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है हेलिक्स को आमतौर तौर पर कहा जाता है कि जिस तरह स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है उसको हेलिक्स कहा जाता है हेलिक्स का मतलब होता है धागेदार धागेदार जिसकी शक्ल होती है तो अल्फ़ा हेलिक्स इसमें यह है कि पहली टाइप को अल्फ़ा हेलिक्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो हेलिकल टाइप होती है इसके अलावा जो बीटा प्लेटेड शीट होती हैं ये प्लेटेड शीट जो कि प्लेट्स की सूरत में मौजूद होती हैं सपोज ये फर्स्ट प्लेट है दैट इज सेकेंड दैट इज़ थर्ड दैट इज़ फोर्थ तो ये जो प्लेट्स हैं इनको इनको भी काउंट किया जाता है ये भी एसिड की सिक्वेंसिंग में काम आते हैं प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज द थ्री डायमेंशनल फॉर्म ऑफ लोकल सेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन प्रोटीन की स्ट्रक्चर कब सामने आई है प्रोटीन की स्ट्रक्चर तब सामने आती है जब डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए हम थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करते हैं द टू मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्मली डिफाइंड बाय द पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द अमीनो हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिल ऑक्सीजन एटम्स इन द पेप्टड बैक पेप्टाइड बैकबोन बोन में आमतौर पे जो मटीरियल पाया जाता है उसके हवाले से इसको हाईलाइट करना जरूरी है कि ये जो पैटर्न है हाइड्रोजन बॉन्ड का जो अमाइनो हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ऑक्सीजन एटम के दरम्यान पाया जाता है यह पेप्टाइड बॉन्ड की सूरत में जो कि मुश्तमिल होता है तो उसमें माइनस या जो कि है अमाइनो टरमाइनस जिसको कहते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होता है कार्बोक्सिल ग्रुप में जो कि है ऑक्सीजन कार्बन के साथ मौजूद होती है और एन माइनस में अमाइनोसिल हाइड्रोजन के साथ मौजूद होता है आम तौर पर जो टरमाइनस है उसको कहा जाता है एंड ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर एक एंड पे सपोज राइट राइट हैंड पे अगर हम डिस्कस करना चाहें एक प्रोटीन को सपोज ये जो राइट right साइड है राइट right साइड के अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो इसका जो एक पोर्शन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंटर माइनस पे मुश्तम हो सकता है एंटर माइनस किसका बना होता है माइनस जो कि है वो हाइड्रोजन अमाइनो हाइड्रोजन का बना होता है और सेकेंड जो इसका फ़ेज़ है सेकेंड जो इसका फेस अगर हम डिस्कस करते हैं या सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं लेफ़्ट साइड में तो फिर इसका जो टरमाइनस बना होता है इसका जो एंड बना होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप में मुश्तमिल होता है टर्शरी स्ट्रक्चर इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर वो क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो आपस में जो कि है ग्लोब की सूरत इख्तियार कर लेती है और फोल्ड uh, हो के जो कि है फोल्डर uh, बन जाता है टर्शरी uh, स्ट्रक्चर एक uh, हम यूँ कह सकते हैं कि एक अलग ग्रुप बन जाता है तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो कि है वो एज़ कम्पेयर्ड विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी कम्प्लैक्स होती है टर्शरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द द्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन मोलिक्यूल्स द एल्फा हेलेक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स आर फोल्ड ट ग्लोबलर स्ट्रक्चर कंपैक्ट ग्लोबलर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मजबूत uh, uh, ka, uh, मतलब है well का मतलब होता है वेल अरेंज एंड वेरी स्ट्रॉग और इसके अलावा ग्लोबलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है ग्लोब शेप स्ट्रक्चर तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कंपैक्ट मेलेकुलर फॉर्म में होती है और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्लोबलर शेप में होती है द टर्शरी स्ट्रक्चर है सिंगल पोलीपेप्टाइट चेन विद वन और मोर प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें यह होता है कि प्रायमरी स्ट्रक्चर और सेकेंड्री स्ट्रक्चर दोनों मिलकर जो कि है वो आमतौर पर टर्शी स्ट्रक्चर बनाती हैं और अ नंबर ऑफ टर्शी स्ट्रक्चर में फोल्ड इन टू अटर स्ट्रक्चर जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आप से अर्ज की थी कि जो क्वेटरनरी स्ट्रक्चर है आमतौर तो पर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जिसको कह तो ये जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर का आप यूँ कह लें कि एक एडिशन होता है लेटेस्ट एडिशन जो कि ट्रशरी स्ट्रक्चर का एक न्यू एडिशन न्यू लुक जो है वो प्रोटीन को मिलती है और उसको कहा जाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर अगर हम ट्रशरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहें तो इसमें जो कि है बीटा पिलेटेड शीट्स वाजह होती हैं इसके अलावा जो है वो एल्फा एलेक्स दीज आर वेरी क्लियर अगर हम थ्री डी स्ट्रक्चर के जरिए इनको स्टडी करना चाहें इसके अलावा जो एंड टर्मिनल है यानी अमाइनो टर्मिनल है अमाइनो ग्रुप जो है वो आमतौर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बना होता है तो ये एंड भी मौजूद होता है इसके अलावा सी टर्मिनल जो कि है यानी कार्बोक्सिल एंड भी मौजूद होता है और ये लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है वो लूप इस वजह से बनते हैं क्योंकि Uh, जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो आपस में शफल कर लेते हैं और इस वजह से जो है वो लूप्स बन जाते हैं तो ये लूप्ड स्ट्रक्चर कहलाती है क्वाइटरनरी स्ट्रक्चर जो कार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है कंसिस्टिंग ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन सब यूनिट्स ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन हैं आम पर अगर हम डिस्कस करना चाहें अगर थ्री प्रोटीस को भी डिस्कस कर लें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर ये तीनों जो कि आपस में मिल मिल के जो कि है एक कम्प्लेक्स और कंपैक्ट फॉर्म अख्तियार कर लेती हैं जिसको कोर्टरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है और कम्प्लेक्स ऑफ टू और मोर पोलीपैप्ट मल्टी सब यूनिट्स आर कॉल्ड मल्टीमर्स कम्पलेक्स ऑफ टू और मोर पोलीपैप्ट मल्टीपल सब यूनिट्स आर कॉल्ड मल्टीमर्स जैसे हमने डिस्कस किया था अमाइनो एसिड रेजिडियो अमीनो एसिड रेजिडियो में क्या था कि अमीनो एसिड रेजिडियो में एक या एक से दो अमाइनो एसिड जो के पाए जाते हैं जो जो सिंपलेस्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर में काउंट होते हैं लेकिन क्वेटनरी स्ट्रक्चर में जो कि कम्पलेक्स बन जाता है ज़रा अगर हम डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो पेचीदगी आ जाती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जिसको क्वेटनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है कम्पलेक्सिस ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स दीज आर कॉल्ड मल्टीमर्स मल्टाइमर्स का मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल सब यूनिट्स हैं बहुत ज़्यादा सब यूनिट्स हैं बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड जो पोलिपेप्टाइड चेन है वो मौजूद होती है तो इस वजह से इसको मल्टाइमर्स कहा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट्रोटैट्रामर सच एज द टू अल्फ़ा एंड टू बेटा चेनस ऑफ हीमोग्लोबिन अगर हम ये फिगर uh, इसको ऑब्जर्व करें दैट इज़ अ दैट इज़ अ चेन ऑफ अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल और हीमोग्लोबिन में क्या है कि ये जो हैट्रोटैट्रामर है हाइट्रोटैट्रामर का मतलब ये होता है कि डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ डिफरेंट फोर कॉर्नर्स जिनके जो कि डायरेक्शन जो कि है वो डिफरेंट डायरेक्शन जो कि हैं होती हैं हम यूँ भी कह सकते हैं ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ इसमें जो कि है इनकी जो कि है जो अरेंजमेंट है जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होती है और आमतौर पे जो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसमें टू एल्फ़ा टू बीटा चें जैसे ये हैं कि टू अल्फ़ा टू एल्फ़ा टू बेटा बीटा चेंस उसके बाद सपोज ये प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो एक कंप्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कंपैक्ट ग्लोबलर स्ट्रक्चर कहते हैं यानी ट्रेशल स्ट्रक्चर और उसके बाद फाइनली क्वाटररी स्ट्रक्चर बन जाती है जब क्वाटनरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो आमतौर पर इसको हम चार डिवीजन्स में जो कि है इनको डिवाइड कर देते हैं कि सपोज़ ये जो ग्रीन कलर है ये कलरेशन इसलिए दी गई है ताकि हम कॉर्नर्स जो कि इजीली डिस्कस डिस्कस कर सकें और प्रोटीन कलरिंग भी एक टेक्निक है जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस के मुताबिक अमीनो एसिड रेजिड्यूस को कलर क, आ, किया जाता है जिसके हवाले से जो कि हमें मल्टाइमर्स यानी पोलिपेप्ट चेन के जो मल्टीपल यूनिट्स हैं उनका भी हमें आ, इन्फो मिलती है उस हवाले से और जो सिंपल यूनिट्स हैं उस हवाले से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो क्वेटर स्ट्रक्चर में ये क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि है वो कंपैक्ट हो जाती है और in, और जो कि है वो इन्वॉल्व हो जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करती है और जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करती है आ आ अगर हम अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहें जैसे इमेज के लिहाज से मैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा हूँ तो पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें अमाइनो एसिड हम देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में और अमाइनो एसिड जो कि अटैच हैं पेप्टाइड बॉन्ड के साथ इट इज़ अ वेरी क्लियर स्ट्रक्चर टू डिस्कस प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की गर, अगर हम बात करते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप है इनको अल्फा हेलिक्स कहा जाता है और इसमें ये प्लेटेड शीट्स हैं जिसको आमतौर पे बीटा प्लेटेड शीट कहा जाता है और एक दूसरे के जो कि है वो जो इनके कॉर्नर्स होते हैं वो पैरेलल और जो इनके जो इनका बाइंडिंग साइट होती है वो पैरेल होती है और जिनको इनके कार्नर्स जो होते हैं वो एंटी पैरेल होते हैं जो टर्शरी स्ट्रक्चर है टर्शरी स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं यही अल्फा हेलिक्स जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है जिसने कंबाइन और कनेक्ट किया होता है बीटा uh, शीट्स को और क्वेटररी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो बॉन्ड्स की चेन्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं इसमें जो कहे वो कंप्लेक्स स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेती है क्वेटररी स्ट्रक्चर इस फिगर में ज्यादा कंप्लेक्स नहीं दिखाई गई एज कंपेयर्ड विद टर्शरी स्ट्रक्चर लेकिन क्वेटरनरी स्ट्रक्चर जो कह सबसे ज्यादा कंप्लेक्स फॉर्म है प्रोटीन की प्रोटीन के फंक्शंस वैसे तो बहुत हैं इससे बड़ा फंक्शन प्रोटीन का इससे मेजर फंक्शन प्रोटीन का क्या होगा कि जो प्लाज्मा में में जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है या ग्लाइको प्रोटीन जो है जो एम्बेडिड इन द ग्लाइकोलिपिड्स बाई में जो इनगल्फ होती है उसमें जो इमर्ज होती है उसमें भी प्रोटीन पाई जाती है यानी कि जो प्रोटीन है वो बेसिक सेल की स्ट्रक्चर का कॉम्पोनेंट है प्रोटीन्स डू मोस्ट ऑफ देयर वर्क इन द सेल एंड परफॉर्म वेरियस जॉब्स हेर आर नाइन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन यूर बॉडी अगर हम यूमन बॉडी के लिहाज से बात करें मेडिकल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो फंक्शन सामने आता मेटाबॉलिज्म uh, में जितने भी सिस्टमिक पोर्शंस होते हैं वो सब अपना रोल अदा करते हैं उनमें से जो एक रोल है वो प्रोटीन का भी है कि ग्रोथ और मेंटेनेंस में अहम किरदार अदा करती है प्रोटीन इसके अलावा बायोकेमिकल रिएक्शंस में बायो केमिकल रिएक्शन में अक्सर आपने देखा होगा ये डिस्कस किया होगा कि कैटलिस्ट जो कि वो एंजाइम के तौर पर कैटेज एंजाइम मौजूद होते हैं जो बायो के, केमिकल में मौजूद होते हैं और उनको जो कि हेल्प आउट करने में मदद इसके अलावा जो कि डाइजेशन में भी प्रोटीन शामिल होती है इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन जैसे एल्बमिन है या एग वाइट है एग वाइट के अलावा मिल्क में भी और आम तौर पे जो के है मिल्क और जो एग है उसको कंप्लीट डाइट में काउंट किया जाता है उसकी वजह यह है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिकल्स की एक मखसूस अमाउंट जो के है मखसूस मक़दार एक मखसूस रेशो के हिसाब से पाई जाती है तो उसमें भी जो के प्रोटीन का फंक्शन होता है तो ये हम हमारे जो के डाइट का भी हिस्सा है इसके अलावा मसल कॉन्ट्रेक्शन इसमें एक्टिन एक्टिन मायासिन फाइब्र फाइब्रिल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ये भी प्रोटीस हैं इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है बॉडी की जो स्ट्रक्चर है जो मसल्स पर मुश्तमिल होती है जो स्केलेटन्स पर मुश्तमिल होती है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है उसमें भी प्रोटीन का फंक्शन है इसके अलावा मेटेन्स प्रॉपर पी एच पी एच को बैलेंस करने के लिए इसके अलावा बैलेंसेज बैलेंसेज फ्लोइड्स यानी कि साइटो प्लाजमिक मटीरियल है उसमें भी जो कि प्रोटीन Uh, के uh, जो पोर्शन हैं वो पाए जाते हैं जैसे लाइसो, uh, लाइसोसोम है उसमें एन्ज़ाइम्स पाए जाते हैं एन्जाइम्स जो के हैं वो इन्गल्फिंग पार्टिकल्स होते हैं जो अनवांटेड पार्टिकल को या वेस्टेज या वेस्टेड मटेरियल को जो के इनगल्फ कर लेते हैं लाइसोसोम जो के है वो एक एन्ज़ाइम की सूरत में जो कि स्ट्रक्चर पाई जाती है और एनजाइम्स जो के हैं वो प्रोटीनस होते हैं इसके अलावा अगर मैं कैटेगरी वाइज डिस्कस करना चाहूँ तो मेन फंक्शन जो है प्रोटीन के वो ये हैं कि ग्रोथ एंड मेंटेनेंस बायोकेमिकल रिएक्शंस डाइजेशन एनर्जी प्रोडक्शन ब्लड क्लॉटिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन एक्ट एज अ मैसेंजर प्रोवाइड स्ट्रक्चर मेंटेन्स प्रॉपर पीएच, एच बैलेंस फ्लूड एंड फ्लूड रेगुलेशन एंड बोस्टर्स इम्यून सिस्टम, इट इज लाइक अ बूस्टर विच प्रोटेक्ट्स द इम्यून सिस्टम एंड इम्यून हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट्स एंड स्टोर एंड प्रोवाइड्स एनर्जी एनर्जी अगर हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाए या एनर्जी जो कि हमें सप्लाई ना मिले तो हम किसी भी काम को करने के काबिल नहीं हैं और एंजाइम्स और केमिकल्स हैं वो प्रोटीन्स जो कि हैं उनका रिचेस्ट सोर्स है जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसके हवाले से अगर हम बेसिक जो कन्सेप्ट है प्रोटीन का वो डिस्कस करना चाहें माइक्रो में काउंट इसलिए होते हैं क्योंकि सब यूनिट से मिलकर बनते हैं ये मैं दोबारा अपने स्टेटमेंट्स रिपीट कर रहा हूँ कि सब यूनिट्स जो कि है अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं और इसके अलावा फिर क्या है कि इनमें जो इम्पोर्टेंस के हवाले से जब बात की जाती है तो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा होती है प्रोटीनस थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन